दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और पूरे देश भर में लाखों कार्यक्रम आज सेवा सप्ताह के मनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कार्यकर्ता हो, स्वयंसेवी संगठन हो, सब अपने अपने तर्ज पर मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ये भाव तब पैदा होता है जब प्रधानमंत्री ही प्रधान सेवक के रूप में काम करता है। और सेवा भाव ऐसा था कि पिछले 8 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ पक्के मकान, हर घर को बिजली, हर घर को नल से जल देने की शुरुआत करना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान योजना में मुफ्त देना, और तो और 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाना, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जहां देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं पर अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इंग्लैंड को पछाड़कर जिन्होंने 200 साल राज किया, भारत आगे बढ़ा है। तो आज़ादी के 75वें साल में ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज़ादी का 75वां साल है ये साल, और ये दिन भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि मोदी जी का जन्मदिन है। तो जन भागीदारी से जो जन आंदोलन देखते हैं आप, रक्तदान महादान कहा जाता है और कईयों की जान बचाने के काम आता है। और ये मेरा दूसरा कैंप सुबह से अभी तक है, ऐसे कई कैंप पूरे देश भर में लाखों कैंप रक्तदान के लग रहे हैं, तो अपने आप दिखता है कि लोग आगे आ रहे हैं। जहाँ तक BMC की बात है, मैं तो यही कहूँगा, मुंबई के लोग और अच्छी सुविधाएं चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है। NDA के गठबंधन है, जिस तरह से देश में सरकार पिछले 8 वर्षों में चलाई, वो करके दिखाया है कि 60 से बेहतर 8, यानी कि जो 8 में हुआ वो कोई 60 में भी नहीं कर पाया। तो आज सम्माननीय पंतप्रधान साहब का जन्मदिवस का ऊपर साइन कोलीवाड़ा में ब्लड डोनेशन के मृतदान शिविर और कैंसर पेशेंट का चेकिंग, ये सब डायरेक्ट एकदम कैंसर पेशेंट का स्पेशल डॉक्टर तो महिलाओं साथी और जेंट्स का सबका जो चेकिंग हो रहा है, ये पूरा साइन कोलीवाड़ा में नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान में ये ब्लड डोनेशन कैंप और जो है आयुर्वेदिक शिविर जो सब हो रहा है, पूरा दुनिया में सम्माननीय पंतप्रधान साहब को आशीर्वाद करने वाला जनता है। तो दूसरा सवाल है, तो यहाँ पर आपने पूछा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का विषय के ऊपर, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर, उनका काम से, पंतप्रधान साहब का काम से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का काम से, 7 टाइम से बहुत कमी समय में बहुत अच्छा महाराष्ट्र का सेवा करने वाला व्यक्ति उनके साथ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में 2nd टाइम MLA, साइन कोलीवाड़ा नहीं पूरा मुंबई में अधिक ये गठबंधन का, शिंदे साहब का, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का गठबंधन का पूरा चुनकी आने वाला है कारपोरेटर, मुंबई महानगर पालिक में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। और दूसरा विषय मैं बोलना चाहता हूँ, सम्माननीय पंतप्रधान साहब का वाक्य है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, ऐसा ही मुंबई में उद्धव जी का शिवसेना मुक्त मुंबई महानगर पालिका बनने वाला है। मुंबई महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा, धन्यवाद। इसमें भाग लेने वाला को भी धन्यवाद देता हूँ, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। नमस्ते। थैंक यू।